एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन 10th करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। द डायगोनल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। एक क्वाड्रिलेटरल है ए बी सी डी, उसके डायगोनल आपस में इंटरसेक्ट करते हैं ओ पॉइंट पे, सच डैट ए ओ अपॉन बी ओ इक्वल टू सी ओ अपॉन ओ डी ओ, शो डैट ए बी सी डी इज अ ट्रेपिजियम। ओके, हमें ए बी सी डी जो क्वाड्रिलेटरल गिवन है उसको ट्रेपिजियम प्रूव करना है। ओके, हम क्या करेंगे, पहले हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ कर देते हैं। बच्चों देखो, हमें क्वेश्चन में दे तो रखा है क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल तो कई होते हैं, कई सारे होते हैं। आपको पैलोग्राम होता है, रोम्बस होता है, स्क्वायर होता है, रेक्टेंगल होता है, ये सब क्या है, जो फोर साइड फिगर होते हैं वो क्वाड्रिलेटरल होते हैं। अब क्वेश्चन में हमें ट्रेपिजियम प्रूव करना है, तो हम क्या करेंगे, क्वाड्रिलेटरल इस शेप का बनाएंगे कि वो ट्रेपिजियम हो। ओके, क्योंकि हमें ट्रेपिजियम प्रूव करना है। अब इसका नाम लिख दीजिए ए बी सी एंड डी, और इसके डायगोनल्स ए सी और बी डी आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे, इतना हमें गिवन है। ओके, और साथ में हमें ये इन्फॉर्मेशन भी गिवन है, वो भी हम नोट डाउन करेंगे। हमें दे रखा है कि ए बी सी डी इज अ क्वाड्रिलेटरल। ओके, और हमें कहा है कि ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ। टू प्रूव, हमें प्रूव करना है कि ए बी सी डी इज अ ट्रेपिजियम। देखो, ट्रेपिजियम प्रूफ करने के लिए बस आप इतना प्रूफ कर दीजिए कि ए बी और सी डी पैरेलल है। हमें सिर्फ इतना प्रूफ करना है, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। बस ये जो ट्रेपिजियम वर्ड आ गया, इसका मतलब हमें कोई भी दो साइड जो है एक दूसरे के पैरेलल प्रूफ करनी है। अच्छा, अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन। हम कंस्ट्रक्शन में क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करेंगे जो कि पैरेलल होगी ए बी के। ओके, यहाँ पे इसका नाम रख दीजिए ई। ओके, ड्रॉ अ लाइन ई ओ सच डैट ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। अच्छा, अब आ जाओ प्रूफ में। प्रूफ में हम क्या करेंगे, हम ये वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, क्योंकि इसमें ई ओ जो है ए बी डी के पैरेलल है। ओके, हम यहाँ लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी ई ओ इज पैरेलल टू ए बी। जब ये लाइन इसके पैरेलल है तो अकॉर्डिंग टू बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, इसके अकॉर्डिंग ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ओ पी ओ बी ओ अपॉन डी ओ। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई। और क्वेश्चन में देखो हमें क्या गिवन है, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल्स टू सी ओ अपॉन डी ओ, ये क्वेश्चन में गिवन है। हम इसमें क्या करेंगे, ये हम लिख देते हैं यहाँ पे गिवन, इनको रिप्लेस कर देते हैं, किसको, ओ बी को सी ओ की जगह और सी ओ को ओ बी की जगह लिख देते हैं। तो ए ओ अपॉन सी ओ इक्वल्स टू बी ओ अपॉन डी ओ, ये हमारी आ गई सेकेंड इक्वेशन। अब आप फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन में देखो क्या है, कंपेयर करेंगे तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, हमें क्या मिला कि ए ई अपॉन डी किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ, और सेकेंड इक्वेशन में ए ओ अपॉन सी ओ किसके इक्वल है, बी ओ अपॉन डी ओ। अब बी ओ अपॉन डी ओ ये भी है, बी ओ अपॉन डी ओ ये भी है, तो अब इसका मतलब ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। ओके, ए ई अपॉन डी ई इज इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ। ओके, अब हमारे पास ए ई अपॉन डी ई इक्वल्स टू ए ओ अपॉन सी ओ आ गया। अब जिसकी वजह से देयरफॉर कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम कि ई ओ जो है किसके पैरल हो गया, सी डी के पैरल, ई ओ इज पैरल टू सी डी या डी सी, जो भी लिखना चाहे लिख लीजिए। और ई ओ किसके पैरल है कंस्ट्रक्शन से,
ए बी के पैरेलल बाय कंस्ट्रक्शन, ये हमें पता है ना। अच्छा, जब ई ओ सी डी के पैरेलल है और जब ई ओ ए बी के पैरेलल है, तो ए बी और डी सी भी तो पैरेलल हो गए एक दूसरे के, देयरफॉर ए बी इज पैरेलल टू डी सी। ओके, जब ए बी और डी सी पैरेलल हो गए तो देयरफॉर ए बी ए बी सी डी इज अ ट्रेपेजियम। ओके, और इस तरह से हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया।